नमस्कार दोस्तों, मैं इस बैलन सर और आप देख रहे हैं हमारा यूपी लाइव 100 न्यूज। यूपी लाइव 100 न्यूज में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। देश भर के हर छोटी बड़ी खबरों के साथ बने रहिए सिर्फ यूपी लाइव 100 न्यूज। चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। जनपद बहराइच के थाना रुपैडीहा के बाबागंज कस्बा में 18 जून को बोरे में भरी हुई एक बॉडी मिली थी, जिसके सर नहीं था और सबसे बड़ी चुनौती थी उसको पहचान करना। पिछले 2.5 महीने से हमारी टीम इसकी पहचान के लिए लगी हुई थी। आज इस घटना का सफल अनावरण हुआ है। जिस महिला की बॉडी मिली थी उसका नाम रूबी है, जिसकी उम्र 18 वर्ष है और वो मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। उसकी बड़ी बहन अपने पति के साथ यहां रुपैडीहा में रहती थी और अपने जीजा के ही छोटे भाई के साथ इस लड़की का रिलेशन हो गया था, जो इसके भाई जमशेद को कतई गवारा नहीं था। बहुत बार इसको समझाने की कोशिश की गई, क्योंकि जो हसीन था जिसके साथ इसका रिलेशन हो गया था वो ऑलरेडी शादीशुदा था। ना समझाने के बावजूद भी जमशेद ने इस बात से क्षुब्ध होकर, क्योंकि हसीन इसको लगातार चिढ़ाता रहता था, उसने इन लोगों से अलग रहना शुरू कर दिया या फेरी लगाना शुरू कर दिया। हत्या के एक दिन पहले ही उसने रहने की जगह बदली। मौका पाते ही मुंह दबाकर अपनी ही सिस्टर का इसने अर्ली मॉर्निंग उसकी हत्या कर दी और सबूत छिपाने के लिए उसका गला काट दिया। मौका पाते ही घर को बाबागंज कस्बे में बोरे में भरकर फेंक दिया और सर को नानपारा क्षेत्र में ही, और जो खून लदे जो कपड़े थे अपने और अपनी कुछ बहन के कुछ कपड़े, उनको पेट्रोल डाल के उसने जला दिया है। इसकी अरेस्टिंग आज जमशेद की हुई है। इसने अपना जुर्म जो है कबूल कर लिया है। जिस हथियार से इसके द्वारा हत्या की गई थी वो बरामद कर लिया गया है। ये सारे जो एविडेंसेस हैं सर्विलांस के माध्यम से भी ये कनेक्ट हो गए हैं। इस संबंध में जो पिछले विगत दिनों में जो इनके घर पे घटनाक्रम चल रहा था उसको इनके घर वालों ने तस्दीक किया है, उनकी गवाही भी इसमें है। तो ये एक ब्लाइंड मर्डर केस, जिसमें की बॉडी की शिनाख्त नहीं हो पा रही थी, उसका सफल अनावरण आज 2.5 महीने बाद थाना रुपैडीहा की पुलिस ने किया है। इनको बधाई दी जाती है और साथ ही में 5,000 रूपये का नगद पुरस्कार हमारे द्वारा घोषित किया जाता है। ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाइए।